इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 20 फरवरी के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1947 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को 30 जून 1948 तक गुलामी से आज़ाद करने की घोषणा की थी। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र कर दिया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 20 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन आज ही के दिन 1707 में अहमदनगर में हुआ था। आज ही के दिन 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खोला गया था। 1848 में आज ही के दिन अमृत बाजार पत्रिका ने बांग्ला में अपना पहला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। आज ही के दिन 1873 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सैन फ्रांसिस्को में अपने पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट पियरी का निधन आज ही के दिन 1920 में हुआ था। भारतीय राजनेता राव वीरेंद्र सिंह का जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था। आज ही के दिन 1933 में अडोल्फ हिटलर ने चुनावों में नाजी पार्टी को सहयोग देने के लिए गुप्त तौर पर जर्मन उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। 1935 में आज ही के दिन कैरोलाइन मिकेलसन ने अंटार्कटिका पर कदम रखा था। पृथ्वी के उस दुर्गम छोर पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बनी थी। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक जर्नैल सिंह का जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ादी देने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। उनका कहना था कि ब्रिटेन 30 जून 1948 से पहले भारत को मुक्त कर देगा। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरत चंद्र बोस का निधन आज ही के दिन 1950 में हुआ था। हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार शिव नारायण श्रीवास्तव का निधन आज ही के दिन 1972 में हुआ था। आज ही के दिन 1976 में बॉम्बे हाई से कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ था। 1982 में आज ही के दिन बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कन्हार नदी जल पर समझौता हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का निधन आज ही के दिन 1985 में हुआ था। आज ही के दिन 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का क्रमशः 23वां और 24वां राज्य घोषित किया गया था। 1999 में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की थी। आज ही के दिन 2007 में यूरोपीय संघ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 2010 तक 20% कम करने को सहमत हुए थे। 2008 में आज ही के दिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार बराक ओबामा ने अपनी 9वीं जीत दर्ज की थी। आज ही के दिन 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। 2015 में आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के राव्च शहर में भीषण ट्रेन हादसा हो गया था, जिसमें दो ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर में करीब 49 लोगों की जान चली गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।